दोस्तों 2.5 दिन बचे हैं आप इलेक्टिव पेपर के लिए, और आपको ऐसा लग रहा होगा एक ओपन बुक एग्जाम है तो 2.5 दिन में क्या ही करेंगे, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो थोड़ा चिल मार लेते हैं और आराम से ओपन बुक एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बट हियर आई वॉन्ट टू गिव यू अ हेड्स अप दैट डू नॉट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज जैसे 2.5 दिन इलेक्टिव पेपर के लिए ज़्यादा होते हैं, वैसे ही 1.5 दिन TT के पेपर के लिए या फिर ITT के पेपर के लिए बहुत कम होते हैं। तो आपको ये 2.5 दिन में आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना टाइम आप इलेक्टिव पेपर को देना चाहते हो, और बाकी जो टाइम है उसमें क्या आप TT या ITT या दोनों क्या पढ़ना चाहते हो। तो जैसे मेरा 6th पेपर जो था वो इंटरनेशनल टैक्सेशन था, एंड वी हैड ओनली 1.5 डे ऑफ लीव फॉर इंटरनेशनल टैक्सेशन, बट फिर भी मैंने वो 1.5 दिन में मैंने अपने DT के पोर्शन का, जो DT में जो इंटरनेशनल टैक्स पोर्शन होता है जो 30 मार्क का आता है, वो मैंने पूरा पूरा कवर कर लिया था। और उसको मैंने इतना अच्छे से कवर कर लिया था कि मैंने मन बना लिया था उसको एग्जाम के पहले मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि DT का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, तुम 1.5 दिन में DT का सिलेबस नहीं पढ़ पाओगे। तो मेरा टारगेट ये था कि अगर 30 मार्क्स का मैं पहले प्रिपरेशन कर लेता हूँ तो बचे हुए जो 70 मार्क्स हैं वो मैं शायद 1.5 दिन में ख़त्म कर लूंगा। वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था बट अचीवेबल था, अनलाइक रिवाइजिंग दी 100 मार्क्स। सो फॉर दो स्टूडेंट्स जिनका अभी इंटरनेशनल टैक्सेशन है एज एन इलेक्टिव पेपर, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू विल हैव टू प्रिपेयर डायरेक्ट टैक्स इन अ मैनर दैट यू डू नॉट हैव टू रीड इट अगेन बिफोर दी डायरेक्ट टैक्स एग्जाम। इन एडिशन टू दैट आप लोग को अपने इंटरनेशनल टैक्सेशन के पेपर के लिए PGBP, कैपिटल गेन, ये सबका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बहुत सारे नॉन रेसिडेंट रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको DT का इंटरनेशनल टैक्सेशन तो पूरा याद करना ही है, इन एडिशन टू दैट यू विल ऑल्सो हैव टू स्पेयर सम टाइम टू गो थ्रू दी कॉन्सेप्ट ऑफ PGBP और कैपिटल गेन और एनी मैटर, और प्रेफरेबली दोज कॉन्सेप्ट विच आर मोर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम अ नॉन रेसिडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज इंटरनेशनल टैक्सेशन इज रिलेटेड टू नॉन रेसिडेंट। सो दैट यू विल हैव टू डू, सो विच इज नॉट अ ईजी थिंग टू डू। यू विल हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम एंड इन दोज इन दीज 2.5 डेज, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विथ योर DT प्रिपरेशन, इंटरनेशनल टैक्सेशन पूरा याद कर लो, सारे RTP MTP के जो भी क्वेश्चन आपने सोचे थे करने हैं या फिर जो भी आपने क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन करने के सोचे थे वो अभी कर लेना, और वो 30 मार्क पूरा खत्म कर देना। फॉर दोज पीपल हु हैव नॉट टेकन इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड हैव टेकन सम अदर इलेक्टिव, प्लीज अंडरस्टैंड दैट यू ऑल्सो डू नॉट नीड टू गिव 100% ऑफ द 2.5 डे इन द इलेक्टिव पेपर। बिकॉज मान लो अगर आपने इकोनॉमिक लॉ लिया है तो लॉ में तो आपने काफ़ी पढ़ाई कर ली, और इकोनॉमिक लॉ वैसे भी ओपन बुक है, आपको लॉ तो याद करके जाना है नहीं। तो इन दिस टाइम यू कैन ईदर टेक अप DT और ITT डिपेंडिंग अपॉन वॉट यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विथ। अगर आपका ITT का प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुआ है तो आप अभी 8 घंटे 10 घंटे कुछ ITT को भी दे सकते हो और बाकी का टाइम TT को भी दे सकते हो, और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि 1 दिन पूरा का पूरा मैं इलेक्टिव पेपर को दूंगा। अब मान लो आपने डिसाइड कर लिया कि आपको ITT करना है, तो अगर आप 10 घंटे ITT को देते हो तो उसको इतने अच्छे से पढ़ लेना कि वो ITT में के लिए जो पढ़ा है वो एग्जाम के पहले आपको पढ़ने का टाइम ना भी अगर मिले तो आप एग्जाम में उसको लिख लो। ओके, एंड नाउ कमिंग टू, लेट्स से यू डिसाइडेड दैट ओनली 1 डे इज वॉट यू आर गोइंग टू स्पेंड फॉर द इलेक्टिव पेपर, मतलब मान लो कल इंटरनेशनल टैक्सेशन का पेपर है या इकोनॉमिक लॉ है या फिर GFRS है, और आपने सोचा मैं 1 दिन पूरा इलेक्टिव पेपर को दूंगा, तो आपको ये समझना पड़ेगा दैट ऑल दो इट इज एन ओपन बुक एग्जाम, यू कैन नॉट स्पेंड ऑल द टाइम ड्यूरिंग द एग्जाम टू ओपन द बुक, लुक एट द आंसर्स एंड देन राइट द आंसर। बिकॉज 4 घंटे में आप वो 100 मार्क खत्म नहीं करोगे अगर पूरे 100 मार्क के लिए आप पेपर बुक पे डिपेंडेंट हो जाओगे। तो जब आप पढ़ोगे ट्राई टू मेमोराइज थिंग्स सो दैट एग्जाम में अगर आए तो आपको बुक खोल के दोबारा क्रॉस चेक ना पढ़ना करना पड़े। बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू कम्प्लीट माई इंटरनेशनल टैक्सेशन पेपर इन 4 आवर्स डिस्पाइट हैविंग स्टडीड प्रॉपरली, बिकॉज कभी कभी एग्जाम्स बहुत टफ होता है, और जैसे आपको प्रेपरेशन के लिए 4-5 महीने मिले उससे तो बहुत ज़्यादा टाइम ICAI को मिला है इस बार क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए। दे हैड अबाउट 8-9 मंथ्स टू प्रिपेयर दिस क्वेश्चन पेपर। सो लेट्स नॉट अज्यूम दैट इट इज गोइंग टू बी एन ईजी पेपर बेस्ड ऑन द पास्ट पेपर्स दैट वी मस्ट हैव प्रैक्टिस, बिकॉज पहले रिस्क मैनेजमेंट और GFRS ये सब के पेपर थोड़े रिलेटिवली ईजी आए थे, इस बार थोड़ा पैटर्न बदल सकते हैं, शायद वो टफ कर सकते हैं, यू नेवर नो, यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू डू नॉट, वेन यू आर रीडिंग यू आर एक्चुअली बाई हार्टिंग स्टफ सो दैट यू डू नॉट नीड टू ओपन द बुक ड्यूरिंग द एग्जाम, अंटिल एंड अनलेस इट इज अ स्पेसिफिक थिंग विच नीड्स टू बी बाई हार्टेड, मतलब अगर कोई पेनल्टी है तो वो सब अपन बुक रेफर करके देख सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअली आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब जो आप एक चीज ध्यान रखो, अब जो आप शाम का टाइम है अभी, ऐसा हो सकता है क्योंकि 2.5 दिन का गैप दिख रहा है तो आपको पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन ना करे,
आप शायद बुक खोल करके आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, बट डू नॉट वेस्ट योर टाइम. व्हाट आई सजेस्ट इज यूट्यूब में बहुत सारे अच्छे अच्छे फैकल्टीज के रिविजन लेक्चर्स हैं. टू नेम अ फ्यू, देर इज वन फैकल्टी फॉर डी टी कॉल्ड आरिश खान, वन भंवर बोराना. इन लोग के रिविजन लेक्चर्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, और अगर आप वो बैठ करके 1.5x 2x की स्पीड पे वो रिविजन लेक्चर देख रहे हो तो इट इज़ एज गुड एज रीडिंग. सो नाउ इफ यू आर नॉट फीलिंग लाइक रीडिंग, यू आर नॉट फीलिंग लाइक ओपनिंग द बुक, एटलीस्ट गो एंड वॉच दोज वीडियोज एंड वॉच एज मेनी एज यू कैन, और कल फिर उस हिसाब से अपना प्लान करके पढ़ाई कर लेना. प्लीज अंडरस्टैंड, एक ही चीज़ करनी है, बस टाइम नहीं वेस्ट करना है. चाहे तुम अपना इलेक्टिव पेपर पढ़ो, चाहे तुम डीटी पढ़ो या आईडीटी पढ़ो. ऑलराइट गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम.